नमस्कार, ग्राउंड मीडिया की टीम इसमें नौलथा गांव में मौजूद है और विधानसभा क्षेत्र जो इनका इसराना पड़ता है, इनसे जानेंगे किस व्यक्ति को ये अपने वोट देना चाह रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवा सकता है, जो समाज के जो कार्य होते हैं उनको करवा सकता है। सीधा मिलते हैं जो ग्रामीण यहाँ मौजूद है, सीधी बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पे कि किस व्यक्ति की आप जो सरकार बनाना चाह रहे हैं, किसको वोट देना चाह रहे हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। किसने दोगे वोट? वोट भाई हम इस टाइम देंगे दुष्यंत ने। दुष्यंत ने? हाँ। विधायक कौन बनना चाहिए यहाँ पे? कहीं प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है? बलवान। बलवान बाल्मीकि जी। के काम करवाए, कुछ करवाए काम को? पीछे जो है ना, कहीं काफी कम मात्रा की वोटों से हार गए थे। नहीं, कब पूरे करवाओगे? जिताए दोगे? बिल्कुल पूरा जन समर्थन मिलेगा? पूरा पूरा मिलाओगे? पूरा काम राम साथ है? हाँ, पूरा साथ है। और भी व्यक्ति मौजूद हैं जी। नमस्कार जी। बलवान ने दें भाई? बलवान ने दोगे? अकेला गया, जीत जाएगा। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी को वोट देंगे जो के निष्पक्ष काम करते हैं। के काम निष्पक्ष किया है, कुछ बताओगे? मारे तो बालक बिना पीछा ला के लिया नौकरी, और आज तक पहले कोई भी बच्चा बगैर पैसे नहीं लगा था। भ्रष्टाचार की बात सामने निकल करके आ रही है, कृष्ण पवार का 15 लाख 1.5 लाख कुछ इसी बात से सामने आ रही है, पूनम मान बेरी करके रिकॉर्डिंग जो सामने आ रही है। देखो वो अपनी जगह है, हमारे तो बच्चे बगैर पैसे लगे हैं। और भी व्यक्ति मौजूद, जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। किसने दोगे वोट? दुष्यंत को। और विधायक किसने बनाओगे? ये कालोखे वाला, ये बलवान। अच्छा, तो कैसी की छवि है उस व्यक्ति की जो जिसकी आप बात कर रहे हो, बलवान कालखे से जो है? पार्टी के साथ ही होगा, जब उनकी सरकार आओगी तो काम भी करेगा। छवि कैसी है? छवि बढ़िया, छवि है बड़ी ईमानदारी वाली छवि। नहीं, बिल्कुल ईमानदार। पीछे कम वोटों से हार गए थे, क्या लगा? भाई ऐसा है, लहर थी मोदी की, इसलिए हार गए थे। इस बार जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा। चलो जी। हाँ जी, राम राम जी। पूछे राम राम तो कर लियो। राम राम भाई। राम राम करने में तोटा थोड़ी है। राम राम भाई, साथ लेना राम का तो। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? अरे मैं ना पूछे ना पूछे, बता दो कोई बात है। ये शर्माना था, फिर नहीं बताओगे? भाई मैं तो कांग्रेसी मानस हूँ। कांग्रेसी? आप खुल के बताओ अपनी बात। ना के भी हम, हाँ कांग्रेस में किसको प्रबल दावेदारी मान रहे हो, किसने टिकट मिलनी चाहिए? बलबीर को मिल रही है। मिल रही है? अभी घोषणा तो नहीं हुई टिकटों की? नहीं, टिकटों की घोषणा तो नहीं हुई अभी। होली बलबीर को टिकट? टिकट मिलेगी, मतलब ये लग रहा है आपको पूरी संभावना आएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। क्या लग रहा है, किसने दोगे वोट? इसको बलवान को देंगे। दुष्यंत चौटाला को बनाओगे मुख्यमंत्री? हाँ। जीत जाएगा? जीत क्यों नहीं जाएगा, काम कुम कुछ करवा रखे हैं। काम वो बढ़िया है, और उनके वो अपने दादा के साहब को दुष्यंत भी इतना ही बढ़िया है जितना अपने दादाजी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। हाँ, इसी बात को देखते हुए हम उसको वोट देंगे, चाहे किसी को कैंडिडेट उतार दो। कृष्ण पवार मंत्री है, 3 मंत्रालय पास है। हाँ। के काम होएगा हमें? नहीं, वो उसने सुवाया अपने छोटे भाई ने सुवाया, और किसी का भलाई नहीं कर सकता। गांव में कोई काम नहीं हो रहा? ना कुछ नहीं हुआ काम। कुछ तो होगा ना, कुछ भी नहीं हुआ मेरे यारे। नाराजगी है पूरी? हाँ, कति नाराज है उससे। तो हम टिकट मिलेगी सुना जिता दोगे रहोगे? हम तो रहोगे, पहले भी हरा रखे हमने अपने काम से। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। किसने बनाओगे? बलवान को देंगे वोट। क्या लग रहा है, जीत जाएगा? जीतेगा पूरा। और कृष्ण पवार और कांग्रेस वाले भी लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी लड़ रहे हैं, तो अगले वो तकदीर हमें जो जीतेगा, हम तो वोट तो उससे देंगे। वोट उसको ही दोगे, सपोर्ट भी उसको करोगे? क्या लग रहा है, जीत जाएगा नहीं जीतेगा? जीतता क्यों नहीं, डर तो नहीं है मन में? नाम डर ना कहते, किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे बात? आओ क्यों कहते ना, बहुत बढ़िया बात। दादा राम राम। राम राम। क्या कहना चाहोगे? किसने बनाओगे? जिसने कहोगे तो उसने बना। नाम तो कहते नहीं, मारे कहते कि सारा लगेगा, आप बताओ। हम तो उसने बीजेपी की दिया। बीजेपी की? हाँ। आई पर बीजेपी की दो ये भी देने लगे हो भाई? दो साल थे। दो साल थे? अच्छा। के बीजेपी ने क्या काम करवाया दिए जिससे प्रभावित हो रहे हो? जिससे उन्होंने तो देश के लिए चक्कर लिया खड़ा हो, देश हित में कार्य कर रहा है। हाँ जी, ताऊ जी। राम राम। राम राम भाई। किसने बनाओगे विधायक? विधायक तो जी बलवान है हमारे गुवंडी, इन्हें बनाओगे। और सीएम किसने बनाओगे? दुष्यंत ने। दुष्यंत चौटाला जी। 22 तारीख की रैली है, रैली में जाओगे? बदेक दाद मेरे तो धंधा नहीं है, क्यों तकलीफ थी है? गांव के लिए गाड़ी कर रखी है बढ़िया। हाँ, फर्म वोट देंगे। वोट दोगे? पूरा परिवार देगा?
हाँ मेरा तो देगा। चलो बहुत बढ़िया बात है जी। हाँ जी नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे, किस पार्टी सरकार बनाओगे, किसने विधायक बनाओगे? बहुत पार्टियां मैदान में है और सरकार आपने बहुत देखी है। दुष्यंत ने मुख्यमंत्री बनाओगे साहब, युवा चेहरा है, उसने बनाओगे, बन जाएगी सरकार? जरूर कोशिश करेंगे जी, क्या नहीं हो सकता। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है, कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो सकता, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आप भी कोशिश करोगे, विधायक बना के छोड़ दोगे बलवान बालम जी ने? पूरी पूरी कोशिश है जी, बिल्कुल। हाँ जी, तय दिल से है वैसे? पूरे तय दिल से जी। किसी के दबाव में तो बात करे, दबाव किस चीज का था जी? बीजेपी को वोट धंधे नहीं जी, काम नहीं करे बीजेपी ने, पवार की वोट धंधे नहीं जी। बीजेपी ने उनको बहुत काम करवा दिया, रुका पाट रहा तो नौकरी लगवा दिए जी, कोई काम तो नहीं हुए और तो नहीं काम हुए, नौकरी तो जी लगवा दिया। हाँ जी, वो गुंडा और लगवा दिए जी, कोई मतलब जो जो इंजीनियर लगने वाला लड़का था वो चपड़ासी लगवा दिया, कभी माली लगवा दिया, वो तो काम हुए नहीं जी। और बालकान ट्यूशन पढ़ावा हुआ तो चपड़ासी लगवाए हैं, बहुत बढ़िया नौकरी लगवाई है। कहाँ लगना चाहिए था नौकरी? आईपीएस लगना चाहिए था? अरे बढ़िया नौकरी तो चाहिए, पढ़े लिखे एमए कर रहे हैं, कई कई डिग्री ले रहे हैं, और उनको चपड़ासी लगवा दिया, बहुत बड़ा शान कराया भाई। तो ये आपने देखा यहाँ पे जो सारे ग्रामीण मौजूद है, ग्रामीण ग्रामीणों की जो राय है, ज्यादातर जो है जननायक जनता पार्टी बलवान वाल्मीकि को जो है कि यहाँ के जो व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति अभी मौजूद है, अभी आए हैं, मैं जानना चाहूँ। हाँ जी नमस्कार जी, क्या की है पार्टी? या पार्टी क्या की बनी है, तो मीडिया वाले आ रहे हैं। बीजेपी ओ भाई, किसने बनाओगे? जन जन ने, जननायक जनता पार्टी के लग रहा है कि सरकार बन जाएगी? बन जाएगी भाई। दुष्यंत की रैली है 22 तारीख की, चलोगे रैली में? चलेंगे। कौन कौन जाओगे? सारे जाएंगे जितने बैठे हैं। ये कुछ प्रोग्राम है रैली में, जो कौन मुख्य अतिथि रहेगा कुछ पता है? भाई रहेगा, जयवीर रहेगा, ये मुख्य अतिथि रहेंगे। वाह जी वाह। तो आपने देखा कि ग्रामीणों की जो ज़्यादातर राय है, ज़्यादातर जो जिसके पक्ष में वोट करना चाह रहे हैं बलवान वाल्मीकि जी, उनके पक्ष में वोट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हैं यहाँ के लोग काफ़ी मात्रा में। तो एक दो बात और। हाँ जी ब्रज भाई, के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा आजकल फसल पकने वाली है, निचरन लग रहे, नहर थाम दी, 15 दिन हो गए, सूखा पड़ा है, कतिक याडा तक नाश हो नहीं हो रहा है, नहर वाला तो काम कदे भी नहीं हुआ, इस महीने में बंद हो जाते। बीजेपी ने 2 साल हो गए ऐसा ही करती है, ये जान का पानी बंद कराएगा उनको, पहले जीरी नहीं लानी बगैर वो बात कर दे। ये तो क्या रोटी खानी चटाए थे इनका, क्या है राज है भाई, ताकत अगला में तो कहीं ना कहीं किसान विरोधी सरकार है, बिल्कुल विरोधी। क्या क्या काम जो आप चाह रहे हो कि होने चाहिए अगली सरकार में? सब के काम होने चाहिए, इसमें कोई जाति पाति का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, सब को बराबर लेकर चलो। तो बड़ी बेबाकी से यहाँ पर जो नौलथा के ग्रामीण वासी, उन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। पल पल की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे। ग्राउंड मीडिया से मैं धर्मेंद्र। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।